नमस्ते बहन और भाइयों, आरोही कार्यक्रम में अमीन सायानी आपका स्वागत करता है। और आज मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गायक की। एक ऐसे गायक जो सफलता की सीढ़ी पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको कई वर्षों से अपने अच्छे अच्छे मधुर लोकप्रिय हिट गानों से नवाजते रहे हैं। नाम है इनका महेंद्र कपूर। शर्मा अच्छा। मैंने भाई महेंद्र कपूर को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, यानी कॉलेज के जमाने से, और आज मैं इन्हें महेंद्र नहीं कहूंगा, तुम जानते हो क्या कहूंगा, मैं इनसे कहूंगा नाना जी। अच्छा भाई, ये महाराष्ट्र में नाना जी अक्सर वो बड़े भाई को वगैरह कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नाना जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम असली नाना जी हो। तुम तो जानते हो लेकिन सुनने वाले नहीं जानते, यानी दर्शक नहीं जानते, इसलिए मैं उन्हें समझा दूं। बहनों भाई, वो अभी कुछ दिनों पहले इस नौजवान की बेटी को बेटा हुआ है, मतलब ये असली नाना जी बन गए। मुबारक हो सभी दर्शकों की ओर से। अच्छा एक बात है बहनों भाइयों, ये नाना जी तो बन गए हैं लेकिन लगते उतने ही नौजवान और हट्टे कट्टे और हैंडसम हैं जैसे कि कॉलेज के जमाने में लगा करते थे। हाँ, बाल जरा कम हो गए हैं, घबरानी बाल मेरे भी कम हो गए। अच्छा भाई, कॉलेज के जमाने में बहनों भाइयों ये हंगामे बहुत किया करते थे, अब ये नाना जी बन गए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या क्या हंगामे किया करते थे। इसलिए इन हंगामों को फिलहाल छोड़िए, पहले जरा गाने में उतरे हैं और गाना शुरू करें। सबसे पहले महेंद्र कपूर पेश करेंगे वो गाना जिससे इनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था, और वो गाना आप सुनिए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें भी होती रहेंगी। गाना वो है जो कि शकील ने लिखा था, जिसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने। अब मुझसे कहा गया है कि फिल्म का नाम ना बताऊं, इसकी फिल्म का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लोग सुनेंगे और समझ जाएंगे। सुनिए बहन और भाइयों। से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात जब की आई, टूट पड़ी रही है धरती सारी, चीख रहे हैं बादल, ओ चीख रहे हैं बादल, दुनिया के तूफान हजारों, दुनिया के तूफान हजारों, हुस्न की एक तन्हाई चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात सब की आई, ओ जंगल जंगल
रहे हैं शैतानों के साए, हो शैतानों के साए। आज खुदा खामोश है जैसे, आज खुदा खामोश है जैसे, भूल गया वो खुदाई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात रब की आई। तेरे दिल के खून से होगा लाल चनाब का पानी, दुनिया की तारीख में लिखी जाएगी ये कुर्बानी। सोहनी और महिवाल ने अपनी इश्क में जान गवाई, इश्क में जान गवाई। बनो भाइयों, आज आप महेंद्र कपूर को सुनते हैं, उनके गानों का मजा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 30 बरस पहले सबको पता लग गया था, यानी जिन जिन लोगों ने उनको सुना था उनको पता लग गया था कि महेंद्र कपूर कितने जबरदस्त, कितने बड़े गायक बनने वाले हैं। महेंद्र, वो कॉलेज कौन सा था जिसमें हम दोनों पढ़ा करते थे? वो था सेंट जेवियर्स कॉलेज। इतना तुम शर्माओगे तो लोग आवाज नहीं सुनेंगे, सिर्फ गाती हुई आवाज सुनेंगे। अरे भाई, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज था। ये बात है। अच्छा, वहाँ तुम्हें याद है कोई फंक्शन कॉलेज का पूरा नहीं होता था, अधूरा ही रहता था जब तक तुम्हारा गाना उसमें नहीं हुआ करता था, हैं? और मुझे याद है एक गाना तुम हमेशा गाया करते थे, और वो जब गाना तुम गाते थे तो हम सब कॉलेज के विद्यार्थियों की दिल की धड़कनें जो हैं वो ज़रा तेज़ हो जाया करती थीं, और हम अपने अपने रोमांस के बारे में सोच कर वो गाना सुना करते थे। हैं, वो कौन सा गाना था? रफ़ी साहब का गाया हुआ, खयाम की धुन थी उसमें। हैं, याद है तुम्हें गाना? अच्छा, अगर याद हो तो जरा गुनगुना तो दो। मतलब अपनी भाभी के लिए गाऊं? भाई, तुम जिसके लिए गाना चाहो गाओ। अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा कर मुझको पछताते तो होंगे। हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। वाह 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 वा। अच्छा, एक बात और बताऊं इस गाने के बारे में मैनोर भाइयों, जब ये गाना महेंद्र कपूर स्टेज पर गाते थे ना, तो लड़के तो बिल्कुल टूब कर पागल होकर सुना करते थे, और लड़कियां आंखें बंद करके सुना करती थी। जाने दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शक्ल सूरत तुम्हारी कुछ खराब थी, पर बहुत अच्छी थी, तब भी बहुत अच्छी थी। अब उस जमाने में तो क्या बताऊं यार, वो जवानी का तेज झलका करता था तुम्हारे चेहरे से। क्या तेज, ओ तेल, तेल नहीं, तेज तेज। अच्छा अच्छा, आज भाई देखिए, अगर आप ऐसी लेग पुलिंग करेंगे मेरे साथ तो फिर मुझे वो गाना गाना पड़ेगा। कौन सा गाना गाना पड़ेगा भाई? अब लीजिए सुनिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं
देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। गाना तो आपने सुना, शहर का लिखा हुआ और रवि का संगीत बद किया हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस गाने के बाद अजनबी बन जाए हम दोनों। अभी तो भाई आरोही प्रोग्राम में दोस्ती शुरू हुई है हमारी, है इतने वर्षों बाद। तो भाई एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, वो ये कि बहनों भाइयों, महेंद्र कपूर कॉलेज के जमाने में न सिर्फ गाया करते थे बल्कि एक और क्षेत्र था जिसमें ये काफी धूम मचाया करते थे। महेंद्र जी, कौन सा क्षेत्र था जरा बताओ? मुझे पता नहीं अमीन भाई, आप बताइए। अच्छा मैं बता दूं। बहनों और भाइयों और बच्चों, महेंद्र कपूर साहब स्टेज पर बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया करते थे और बड़े अच्छे कॉमेडियन थे। जी हाँ, आप इनको देखकर पता नहीं चलता, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन थे। और साहब खास तौर पर एक ड्रामा ऐसा था जिसमें के महेंद्र कपूर ने छुट्टी कर दी थी सबकी, यानी देखने वालों की नहीं, वो बाकी कलाकारों की, और देखने वाले तो बिल्कुल लोटपोट हो गए थे। और उसके बाद महेंद्र कपूर का नाम सारे कॉलेज में गूंज उठा था। अमीन भाई, ये तो चेला तो आपका ही था ना? नहीं भाई, मैंने जो जो जिस बारे में मैं अभी कहने जा रहा हूँ उसमें तो मेरे चेले नहीं आए। वो हुआ ये बहनों और भाइयों कि काफी जोरदार कॉमेडी चल रही थी और महेंद्र कपूर साहब बहुत उछल कूद कर रहे थे उस ड्रामे में, और धोती पहन कर आए हुए थे स्टेज पर, और इतनी उछल कूद की इन्होंने कि इनकी धोती जो है वो छूट गई। याद है भाई वो है? तो भाई उसी कॉलेज के जमाने को याद करते हुए, वो हंगामे, वो खूबसूरतियाँ, वो छेड़छाड़, वो छोटे छोटे रोमांसेस, इन सब को याद करते हुए एक अच्छा सा प्यारा सा गाना गा दो, लव सॉन्ग। के काजल आँखों में, कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है, बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। कयामत के काजल
आग लगा दे पानी में, सजते मैं तुम्हारी बाहों के जो आग लगा दे पानी में, कुर्बान तुम्हारी आँखों पे जो भर दे रंग जवानी में, मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, मर जाऊं तुम्हारे गालों पर जिनमें के गुलों की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है, आंखों में कयामत के काजल। कह न सका मैं दीवाना, कहते हैं मगर हालात मेरे, या आप नशे में डूबे हैं, या आप नशे में डूबे हैं, या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है, आँखों पे कयामत के काजल, होंठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है, आँखों में कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल। और इसके बाद आप सुनने वाले हैं वो गाना जो कि मेरे हिसाब से महेंद्र कपूर का सबसे खूबसूरत गाना है। देखिए बहनों भाइयों, एक बात आपको बताऊं, वो ये कि साधारण अच्छा गायक जो होता है उसके लिए सिर्फ ये काफी होता है कि वो सुर ताल में गाए। महेंद्र कपूर का सुर कभी नहीं डिगता, ताल कभी गलत नहीं पड़ता। स्टेज पर भी जब ये गाते हैं, जब आवाज में काफी मतलब स्ट्रेन करना पड़ता है, काफी जोर देना पड़ता है, वहां भी इनका सुरताल जरा भी गड़बड़ नहीं करता। लेकिन ये अच्छे साधारण गायक की निशानी है। महान गायक वो होता है जो अपने गायक अपनी गायकी में, अपने गायन में अपनी पूरी जान भर दे, दिल डाल दे उसमें, इतना डूब कर गाए कि सुनने वालों के दिल हिल जाएं, सीधे उनकी आत्मा तक उसका गायन पहुंचे। महेंद्र कपूर को जब जब ऐसे गाने दिए गए हैं तो महेंद्र ने हर बार उस गाने के साथ बहुत इंसाफ किया है। एक गाना अब सुनेंगे आप जिसमें कि एक तड़पते हुए दिल की पुकार है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा किरदार है जो कि जमाने के बोझ से थक कर बगावत करके कहता है। क्या कहता है ये सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत में और संतोष आनंद के बोल में। बस और नहीं, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और
दिल में जगह नहीं पाती, रोक नजर अपनी साथी, और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और नहीं। कहिए बहनों भाइयों, दिल तक पहुंची ना बात? यही मैं कह रहा था। अच्छा, आप कहेंगे कि मैं तमाम बातें पूछ रहा हूं, इधर उधर की बातें कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं पूछ रहा हूं महेंद्र कपूर से कि इन्होंने संगीत सीखना कैसे शुरू किया और किन किन से सीखा। तो महेंद्र, कुछ बताओ इसके बारे में। मैं अमीन भाई, बचपन से ही गाने का तो शौक था। मेरे बड़े भाई थे,
वो हैं जो बड़े भाई मेरे, अच्छा। जिनकी वजह से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला उनके आशीर्वाद से। उन्होंने गाना पहले शुरू किया था, अच्छा, सीखना। और आपको पता है कि किनसे सीखना शुरू किया? किनसे? किनसे? बी एम व्यास जी हैं। बी एम व्यास? हाँ जी। ओहो, यानी वो एक्टर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सिखाते थे। अच्छा। वो घर पे आते थे, भरत व्यास के भाई जो हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो वो उनका तो सीखना छूट गया, हाँ। फिर मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, जब छोटा था। ये तो हमें पता ही नहीं था कि बीएम व्यास संगीत भी जानते हैं। उनसे शुरू किया था ये मैंने। फिर उसके बाद मनहर पद्दार जी से क्लासिकल सीखा। अच्छा। फिर नियाज अहमद खान साहब से, हाँ, अब्दुल रहमान खान साहब से। अच्छा। फिर पंडित जगन्नाथ बुआ जी से, पंडित हुसन लाल जी से। बहुत खूब, बहुत खूब। और फिर इनसे मैं अब भी तालीम लेता हूँ। किन से? पंडित तुलसीदास शर्मा जी से। अच्छा। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से। मैं वही बात कर रहा था कि और मैंने रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, ये कब सीखा था तुमने रफ़ी साहब से? कॉलेज के ज़माने से पहले या बाद? नहीं नहीं, बहुत पहले, जब मैं स्कूल में था। मैं अबाउट 11-12 बरस का था। अच्छा अच्छा। तो तभी से तुम उनके शिष्य थे? हाँ जी, उनके पास जाया करते थे। सब उनके ही आशीर्वाद हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतने सारे लोगों से सीखा, इतने सारे लोगों से संगीत पाया और इतने सारे संगीतकारों के साथ गाना गाया, जिनसे भी बहुत कुछ पाया तुमने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब एक तो खास बातें तुमसे पूछनी है, लेकिन इस अगले गाने के बाद में पूछूंगा। अच्छा, बताओ किनका गाना गा रहे हो तुम, मतलब किसका लिखा हुआ? अभी मैं जो गा रहा हूँ ये है नेगर साहब का गाना है। अच्छा। उनकी धुन है। ओपिनियर साहब की और बिहारी साहब का लिखा हुआ है। अच्छा, तो बहनों भाई जरा सुनिए कि ये गाना कौन सा है। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। Thank you.
इन बादलों के नीचे मेरी हर नजर है प्यासी, मेरी प्यास तुम बुझाते, एहसान इतना कर दो, मेरी प्यास तुम बुझाते, एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो। हम इस प्रोग्राम में महेंद्र कपूर का गाना भी सुन रहे हैं, इनसे कुछ बातें भी पूछते चले आ रहे हैं। इनका जो छोटा सा संगीत भरा इतिहास है जिसमें बहुत लोग शामिल हैं, उसकी कुछ बातें सुन रहे हैं। और अगला सवाल मेरा महेंद्र से ये रहेगा कि महेंद्र ये बताओ कि फिल्मों में तुमने पहला कदम कैसे रखा? फिल्मों में अमीन भाई ऐसा था कि ऑल इंडिया सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ था। अच्छा, तो उसमें लकीली मैं चुना गया था नंबर वन, पहले नंबर वन। अच्छा, उसमें जजेस कौन थे? उसमें हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब। अच्छा, फिर अनिल विश्वासी, हाँ, सी रामचंद्र जी, अच्छा, मदन मोहन जी और वसंत साई जी। पांच महान संगीतकारों में से तीन तो हमें छोड़ कर जा चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि ये किस साल की बात है? ये है 57 की। 57 कंपटीशन। अच्छा, ये जब कंपटीशन में तुम अव्वल नंबर पर आए जी, तो उसके बाद इन सब ने तुम्हें कुछ काम दिया या ऑफर किया? हाँ जी, इनके वो ऐसा था कि शर्तें थी जो कभी वो या तो एक लाइन दें गाने की या पूरा गाना गवाएं, उन पर था। अच्छा, और लकीली मुझे उन्होंने सबने एक एक गाना गवाया। अच्छा, एक हाँ। एक गाना तो वो जो तुम गा चुके हो नौशाद साहब का, चांद छुपा और डूबे तारे। अच्छा, अनिल दा ने कौन सा गाना? अनिल दा ने गवाया था मुझे चार दिल चार राहें का। अच्छा, वो ग्रुप सॉन्ग था जिसमें मैं, मुकेश जी और लता दीदी और गीता दीदी, अच्छा, सब लोग थे जी हम लोग। और अब रहे तीन संगीतकार, यानी वसंत देसाई और मदन हाँ मोहन। हाँ जी जी। और सी रामचंद्र। हाँ जी, हाँ जी। तो बताओ वसंत देसाई के लिए तुमने पहला गाना कौन सा गाया था? वो गाया था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, कौन सा गाना था अगर याद हो जरा एक लाइन अगर गुनगुना दो। वो था याद, बोट सॉन्ग था। अच्छा अच्छा, बोट सॉन्ग था वो था। मांझी रे हिम्मत न हार, मांझी रे हिम्मत न हार, तेरे हाथ पतवार तेरे साथ करता, मांझी रे हिम्मत न हार, मांझी रे हिम्मत न हार। और वाकई संगीत की दुनिया में तुमने हिम्मत नहीं आ रही, आगे ही बढ़ते रहे हैं। अच्छा, सी रामचंद्र साहब ने कौन सा गाना दिया था? अन्ना जी ने वो फिल्म में नवरंग का। नवरंग का। अच्छा अच्छा, वो भी तो भाई जरा एक लाइन। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। और यह आधी बात या अधूरी बात पूरी होगी तब जब तुम ये बताओगे कि मदन मोहन ने कौन सा गाना दिया था। वो तो नहीं उस सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो उससे तो पहले भी गाया था उनके लिए? उससे पहले, सबसे पहले उन्होंने गवाया था फिल्म जेलर। कौन सा जेलर? वो फिलोसॉफिकल टाइप का गाना था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा याद मुझे।
बस एक सजा ही तो है जिंदगी, बस एक सजा ही तो है जिंदगी, कोई हंस कर गुजारे कोई रो के गुजारे, एक सजा ही तो है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और भाई बहुत सारे संगीतकारों के साथ तुमने गाया उसके बाद, कितने गाने गाए होंगे अब तक? पता नहीं अमीन भाई, अब ये इनकम टैक्स सवाल तो नहीं नहीं, मैंने अब तक इनकम टैक्स ज्वाइन नहीं किया इसको गोली रखी है आप गोल अच्छा तो भाई एक अब फरमाइश मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे हिट गाने गाए हैं तुमने, एक गाना गाया था तुमने नीले गगन के तले, क्या वो सुनाओगे हमारे सब दर्शकों को और सुनने वालों को? जरूर। कपूर से ये पूछना चाहूंगा भाई महेंद्र, गाने तुम कई वर्षों से गा रहे हो, 1950 से, 51 से, अब तक संगीत की दुनिया जो है ना वो काफी बदल चुकी है, नए नए म्यूजिक डायरेक्टर भी आ रहे हैं, जो पुराने हैं वो भी काफी अपना स्टाइल बदलने लगे हैं। अब मैं चूंकि गायक नहीं हूँ इसलिए मैं तो सीधी बात कहूंगा, अब तुम चाहे डिप्लोमेसी बरतो या कुछ और कहो, मैं ये सोचता हूँ कि संगीत का जो स्तर था, संगीत में जो गहराई थी, जो मिठास थी जी, एक जमाने में जी, वो हर साल कम होती जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ थोड़ी सी कुछ फैक्ट्री चल पड़ी है, धूम धड़ाका बहुत हो रहा है, मिठास बेचारी
खत्म होती जा रही है, तो अगर तुम सहमत हो इस बात के तो बताओ कि ये क्यों हो रहा है। अमीन भाई ऐसा है, मेरी फीलिंग तो ये है कि भी ज्यादा करके सब्जेक्ट्स जो बनते हैं ना, जो पिक्चरें बनती हैं सब मार धाड़ की पिक्चरें ज्यादा होती हैं, तब उसमें आप म्यूजिकल तो नहीं कुछ कर सकते ना। उसके बावजूद भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं बहुत कोशिश करते हैं कि भी अच्छी से अच्छी म्यूजिक दी जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि भी हालांकि सब्जेक्ट डिमांड नहीं करता म्यूजिक का, फिर भी वो लोग देते हैं म्यूजिक। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अभी आजकल जो डिस्को की हवा चल पड़ी है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? डिस्को बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, हाँ जी। भाई ये बात हुई ना, जवानी की एक निशानी ये है कि जैसे जमाना बदले इंसान खुद भी बदले। मेरी समझ में तो डिस्को गाने कभी आते नहीं है, तुम्हारी समझ में आ जाते क्यों? मिल रही है, डिस्को बहुत अच्छी चीज है, अच्छी उसमें रिदम है, लय है, स्वर है, सब कुछ है, लेकिन मिठास कम होती है ना, उसमें चिल्लाना बहुत होता है। नहीं नहीं, आप सुनिए, मैं एक डिस्को गाना गाता हूँ आज। अच्छा, हाँ आप सुनिए, वो उसमें मिठास है कि नहीं। अच्छा सुनाओ। कल क्यों आई तेरी याद रानी, हाँ मुझे बहुत दिनों के बाद, कुछ ऐसा लगा सोया हुआ दर्द फिर ऐसा जागा, हाँ ऐसा जागा रानी आई याद, तो तू भी आ जा मेरा, तो सारा संसार हो तुम ही रानी, मेरे मौसम पर बहार हो तुम ही, कहाँ गए वो दिन सुहाने, बीते हुए वो दिन पुराने, रानी आई याद तो तू भी आ जा रानी, तुम्हारे बिना अच्छा ना लगे रानी, सपना कोई भी सच्चा ना लगे, चलो ढूंढे ये प्रेम तराने, बीते हुए वो दिन पुराने, रानी आई याद भी आ जा से, कभी ये भूल की थी रानी, आज लगता है फजूल की थी, चलो ढूंढे गुजरे जमाने, बीते हुए वो दिन पुराने, रानी आई याद तो तू भी आ जा तो तू भी आ जा, ए ए ए तो तू भी आ जा, ए ए ए तो तू भी आ जा, ओ ओ ओ तो तू भी आ जा। वाह भाई वाह, मजा आ गया महेंद्र। कांग्रेचुलेशंस भाई, ऐसे डिस्को गाने हो तो हम लोग भी मजा लें। हाँ देखिए, मैं कह रहा था। अच्छा बहनों भाइयों, अब आखिर में एक छोटी सी बात, वो ये कि अगर हम
हमारे जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे नए और पुराने गायक हैं उनको भागों में बांटें अगर फर्ज करो तो तीन भाग बनते हैं। एक तो बहुत सीनियर गायक सहगल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, सहगल पंकज मलिक और खान मस्ताना जी एम दुरानी के बाद कि एक पहला भाग वो था या वो है जिसमें रफ़ी साहब थे, मुकेश थे और मन्ना डे और हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार, ये सब सीनियर गायक हैं। तीसरा भाग वो है जिसमें नए गायक हैं बहुत सारे आजकल, भूपेंद्र से लेकर अमित कुमार तक जितने भी अच्छे अच्छे गायक हैं, सुरेश वाडकर और जगजीत वगैरह बहुत बहुत सारे। लेकिन बीच का एक भाग है जो न ज़्यादा पुराने लोग हैं न बहुत ही नए, उनमें सिर्फ तुम अकेले हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि अच्छे अच्छे गाने गाते रहो, लोगों को अच्छे अच्छे गाने पहुंचाते रहो लोगों तक। हैं तो हम दुआ करते हैं इन तमाम दर्शकों की तरफ से और तमाम सुनने वालों की तरफ से, मैं हमेशा सुनने वालों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि रेडियो का आदमी हूँ ना तो भाई सुनने वालों और दर्शकों की ओर से हम दुआ करते हैं कि महेंद्र तुम हमेशा हमेशा अच्छे अच्छे गाने गाते रहो, अच्छे अच्छे संगीतकारों से अच्छा संगीत लेकर लोगों तक पहुँचाते रहो, सुर तुम्हारा उसी तरह आसमान को छूता रहे और लोगों के दिलों तक पहुँचता रहे और हमारे देश के जितने मोती हैं, जितने हीरे हैं, उनमें हमेशा हमेशा एक महेंद्र कपूर भी रहे। तो इस दुआ के साथ हम सब बहनों भाइयों मिलकर सुनेंगे महेंद्र कपूर का आज का, आज के आरोही प्रोग्राम का आखिरी गीत। माटी को जो जीवन
का सुख देती है, उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती।